गुड मॉर्निंग गाइस, शुभ नववर्ष, बंगाली न्यू ईयर है आज। आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ब्रेड उपमा। बहुत दिन बाद थोड़े हम जैसे क्यों घूम रही है। मम्मी एक्चुअली हेयर कलर कर रही है। राई और कड़ी पत्ता डाल के कैरेट डाल देंगे, अनियन डाल देंगे, कैप्सिकम, टमाटर और हरी मिर्च, नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च, हल्दी, पानी, थोड़ा सा आमचूर पाउडर या लेमन, थोड़ा सा केचप। इट्स रेडी, आ जाओ। नए साल में नया चादर। साइज देखो गाइज, हमारा बेड काफी बड़ा है पर क्वीन साइज है। ये आई थिंक किंग साइज का है। जनरली ऐसा बेड का चद्दर मिलता नहीं है। बहुत ही अच्छा है, लेमन का है। शादी में मुझे शायद गिफ्ट मिला था, बहुत साल बाद लगा रही हूँ। अभी बारी है सबको फोन करने के लिए और बोलने के लिए शुभ नववर्ष और हमारे प्रणाम नियो। जनरली हम लोग यही बोलते हैं क्योंकि हम लोग ही सबसे छोटे हैं। मेरा भाई मुझसे छोटा है पर कभी वो ऐसे मुझे नहीं बोलेगा कि मेरा प्रणाम नियो। वो मुझसे हमेशा ही मैं तो बड़ा हूँ ऐसे ही फीलिंग करता दिखाता है। सो आज खाने के लिए दिखाती हूँ क्या बन रहा है। कुछ स्पेशल बन रहा है तो नहीं, क्योंकि रात को हमारा स्पेशल कहीं पे जाना और खाने की बात चल रही है। तो मम्मी ये साग बना रही है, दाल है, थोड़ा सा फूलगोभी है और ये जो है ना ये सूख रहा है, ये थोड़ा सा बॉयल करके सूखी लाल मिर्च लगा के खाएंगे। রোজ রোজ অফিসের কাজ করলে তো লাইন মারা টাইম থাকবে না, তাই ওগুলো থেকে দরকার, তাহলে তো খালি অফিসই করে যেতে হবে। কি আইডিয়াস, ভেরি গুড। মান ইজ আ লাকি পারসন, পাতা হয় আপকো অনির্বাণ কে সাথ জো জো কাম করতে হয় অফিস মে, সবকে জগে পে গুড ফ্রাইডে কা ছুটি হয় আর ইনকা নেই হয়। মেরা অপশনাল হয় তো বেসে ইয়ে বল রহা কি মুঝে লেনে কি কিয়া জরুরত হয়, কোই জয়েন নেই করেগা তো মেরা ভি কোই কাম নেই। সো ইয়ে হ্যায় রেডি খানা, ফুলগোবি, इसमें दाल है, इसको गरम करना है, साग और इधर पे गाठी। क्या बज रहा है, थोड़ा सा टाइम है, सोच रही हूँ कि इस जगह को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ और यहाँ पे जो पुराने सारे पौधे हैं इसको उठा के फेंकना पड़ेगा। और ये वाला जो हमारा बड़ा सा पिलो जो मैंने बनाया था उसको मैंने कल धो दिया था, अच्छे से वॉश भी हो गया है, इसको भी बिछाना है। ये सफाई कर रहे हैं या खेल रहे हैं? खुलेगा जल्दी। सो मैं नहा के आ गई हूँ, अभी खाने के लिए बैठते हैं। बहुत देर हो गई है, देखो ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश होगा। आपको तो पता ही है गाइस कि मुझे कितना ज़्यादा एक्नी पिंपल्स की प्रॉब्लम है। समर में ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस के वजह से हो, कोई भी कारण हो, अगर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन डर्ट्स आ रहा है और आपका स्किन ऑयली है तो क्या होता है, एक्सेसिव जो ऑयल रहता है उसके अंदर पोल्यूशन की वो डर्ट्स जाके पोर्स को क्लॉक कर देता है और बहुत सारा एक्ने पिंपल्स आ जाता है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि कोई एक अच्छा सा ऑयल फ्री वाला प्रोडक्ट यूज़ करो। तो मम्मा आर्ट की ऑयल फ्री फेस वॉश एंड ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही थी। गाइज अमेजिंग रिजल्ट है, यू कैन सी मेरा पिंपल्स एक्ने का प्रॉब्लम बहुत हद तक एकदम ही क्लियर हो गया है, आप बोल सकते हो। मम्मा आर्ट की ऑयल फ्री फेस वॉश में एप्पल साइडर विनीगर है और सैलिसिलिक एसिड है। एप्पल साइडर विनीगर स्किन को इम्प्रूव करता है और रिफ्रेशिंग एक फीलिंग देता है। और सैलिसिलिक एसिड क्या होता है कि आपके जो ब्लैक हेड्स ब्रेकआउट्स आता है उसको प्रिवेंट करता है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल्स होते हैं। तो पहले जैसे नॉर्मल फेस वॉश यूज़ करते हैं वैसे फेस वॉश की तरह ही इसको यूज़ करो, दिन में दो बार, तीन बार, जितने बार आप घर से बाहर जा रहे हो। और नेक्स्ट इसके बाद ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ करो, इसमें विटामिन 3 भी है जो बहुत अच्छा होता है और पोर्स को जो ना एक्ने प्रोन बना से ये रोकता है। आफ्टर फेस वॉश एंड अप्लाइंग मॉइस्चराइजर यू कैन सी द विजुअल डिफरेंसेस, कितना ज़्यादा आपकी स्किन जो है ना फ्रेश लुक आता है। मम्मा आर्ट के हर एक प्रोडक्ट जो है ना वो फुल्ली नेचुरल होता है और उसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं रहता है। ये प्लास्टिक पॉजिटिव है, इंडियन ब्रांड है। एंड गाइस क्या आपको पता है एवरी टाइम यू बाई फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अचीव ए प्लान।
and Mamaearth has launched their official app. User get early access to sale and get extra discount. Mamaearth की ये दो product के link मैं description box में share कर दूँगी, आप लोग please एक बार check कर लेना. So guys, मैं ready होके छत पे आई हूँ क्योंकि आज बिल्कुल वैसा ही weather है जिस weather में ताल से ताल मिला वो वाला reels हम कर सकते हैं. एक्चुअली ना मैं सोचती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ. आज तो मैं वो वाला रील्स वैसे ड्रेस भी पहन के आई हूँ, वो तो मैं आज करके रहूँगी. आप लोग मुझे फॉलो करते हो ना इंस्टाग्राम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, उधर पे जाके क्लिक करो आपको इंस्टाग्राम, और इधर पे आपको दिखेगा भी इंस्टाग्राम का आईडी. प्लीज़ फॉलो करना, बहुत अच्छे अच्छे रील्स बनाती हूँ मैं गाइस. ये वाला अभी अभी किया गाइस, क्या आपने देखा? देखना जरूर. आज बहुत ही प्रीटी लग रही है. ये वाला साड़ी मैंने मम्मी को दुर्गा पूजा में दिया था. ये आड़ी काश बोलता है इसका, इसके ब्लू कलर का अच्छा लग रहा है. अनिर्वाण बहुत सारा सर्च किया, गर्मी में कुछ भी पहनने का मन नहीं हो रहा था. अन्य मैम तो बोल रहे थे कि सलवार पहन के चलो, पर मैंने डिसाइड किया कि ये पहनूंगी. आई नो इट्स नॉट लुक लाइक वाला वैशाख लुक, बट क्या कर सकते हैं, बहुत गर्मी लग रही है. चलो 7:15 हो रहा है और 7:30 से उधर पर प्रोग्राम था. हम लोग जा रहे हैं BSS ग्रुप पे. ये एक बंगाली ग्रुप है हैदराबाद में. सो एक्चुअली हमें थोड़ा सा लेट हो गया है, आई थिंक 8 बज जाएगा पहुँचने में, क्योंकि अभी रश भी रहता है, जैम रहता है. तबीयत थोड़ा सा ख़राब लग रहा था, इसीलिए मैं साड़ी पहनने में उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी. बहुत उल्टी आ रही है मुझे. सो हम एक जगह रुके हैं, अनिर्वाण गया है थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स ला रहे, सुना है कोल्ड ड्रिंक्स पीने में इस टाइम पे. अभी चलो बहुत कुछ खाने में है, मैं नहीं खा पाऊंगी. কবি কালী প্রসন্ন ঘোষ. পারিব না এ কথাটি বলিও না আর, কেন পারিবে না ওই কথাটি মুখে যেন শুনি না তোমার. অলস অবোধ যারা কিছুই বলো বারবার, ভেসে গেছে অচেনা কাজলে পাতা উড়ে নাকি গত বছরে মায়া হয়ে যাবে বলে. আমি আম সত্ত্ব নিয়ে আসবো, মা আমার আম সত্ত্ব খেতে খুব ভালোবাসে. গলি মারিয়ে গলি খায় যারা দিনে অথবা রাতে, আগে থেকে তাদের ভিড়িয়ে দিও বাউলের আখড়াতে. যার জীবনে কালো ছায়া হয় জীবনের জল ছবি, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस. यहाँ पे बहुत अच्छे से बंगाली प्रोग्राम हो रहा है. एक्चुअली ना सब लोग ये पूछते हैं कि तुम लोग बॉम हो, मतलब थोड़ा सा तुम्हें डांस या गाना कुछ तो आता ही होगा. तो ये बात एक्चुअली में सही है, सारे बॉम्स को कुछ ना कुछ तो आता ही है, कुछ ना कुछ में इन्वॉल्व रहता ही है. हाँ, जैसे अनिर्वाण को आपको पता रहेगा शायद, इसको तबला बजाना आता है है ना? और इनको डांस मम्मी गाना गा सकते हैं, अनिर्वाण की मम्मी बहुत अच्छा गाना गाते हैं. मेरा मम्मी तो पूरा स्कूल लाइफ में फेमस.
बहुत अच्छा खाना। चलो अभी हम लोग डिनर कर लेते हैं। बहुत सारा बंगाली आइटम है, मैंने देखा है, स्पेशल रसगुल्ला है। गाड़ी के ऊपर पुष्प वृष्टि हुआ है, मतलब फ्लावर का रेन। बहुत रात हो गया है तो अभी हम लोग निकलते हैं। ऑलमोस्ट 12 बज रहा है और बहुत अच्छा लगा। इधर के सारे मेंबर्स जो है ना, वैसे फैमिली मेंबर जैसे एक दो बार बात करते ही ऐसा लगता है। यह है BSS ग्रुप बोंगियो संस्कृति संघो। ये हैदराबाद का सबसे बड़ा बंगाली क्लब है। चाहे कितनी भी रात हो, चाहे कितनी भी आपको जल्दी हो, आपको रुकना चाहिए सिग्नल पे। पता है आपको, घर पे जो रसगुल्ला किया था ना, वो एकदम कोलकाता जैसा रसगुल्ला था, पर ये महापुरुष ने सोचा कि पहले मैं चिकन खा लेता हूँ ज़्यादा करके, फिर रसगुल्ला पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो ये एकदम लास्ट में गए थे और रसगुल्ला इसके लिए बचा नहीं था। सबका एक्चुअली तो खाना वाना हो गया था, ये सभी सबसे लास्ट थे, पर जो भी हो रसगुल्ला एकदम बहुत बढ़िया था। सीरियसली मम्मी को क्या हुआ कि मैंने बोला कि मम्मी आप कोल्ड ड्रिंक, मैं सुबह को जाने के टाइम पे एक मैंने कोल्ड ड्रिंक्स लिया था ना, तो वो बच के आया था थोड़ा सा, तो मैंने बोला मम्मी आप लोगे आने के टाइम पे, तो मम्मी ने बोला नहीं मैंने आज आइसक्रीम खाया है, मैंने आज रसगुल्ला खाया है, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीऊँगी। तो मैंने बोला अरे आपको शुगर नहीं है, आपको हाई प्रेशर है, मम्मी हमेशा ही उसी सारे चीज़ों को नहीं खाती है जो शुगर भी नहीं खाते हैं। मम्मी को मैं समझा के थक चुकी हूँ कि आप स्वीट खा सकते हो, आपको प्रेशर है, शुगर नहीं है। डॉक्टर ने मम्मी को बोला था कि आप स्वीट खाओ, एकदम नहीं खाओगे तो सूख जाओगे। सो कुल मिला के आज का दिन जो है ना बहुत अच्छा गुजरा, बंगाली न्यू ईयर बहुत अच्छा गुजरा। होपफुली आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा है, लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना। मैं फिर मिलूंगी, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंड शुभ नववर्ष वंस अगेन। यस, शुभ नववर्ष।